Hey guys, what's up? नमस्कार, केमछो, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं आठ बज के 10 मिनट हो रहे हैं और अभी मैं क्लासेस ले चुका हूँ। अभी एक्चुअली बच्चों को ना सर्दी होती है तो सुबह सुबह मैं बच्चों को घर पे बुला लेता हूँ, तो घर पे हीटर वगैरह और सब कुछ वेपर लाइट में एकदम अच्छे से मस्त पढ़ते हैं ताकि गर्मी मेंटेन रहे। और अभी मम्मी सुबह सुबह उठते ही करिएगी, मेरे को जाना है यार, यहाँ कहीं घूमने को नहीं मिल रहा, ये वो जो भी है। तो अभी चलते हैं, पहले मम्मी से बातें करते हैं क्या क्या कहती है। देखिए, यहाँ पर एक आदमी सोया रहता है, सोया नहीं रहता, हम लोग जाके हाथ से पढ़ते हैं। और मम्मी को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, कह रही यहीं हम रहेंगे। एकदम बोर लग रहा है यहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मम्मी बोर हो गई है, इनको घूमने के लिए नहीं मिल रहा है, प्लस यहाँ बाजार भी थोड़ा दूर है, मम्मी को स्कूटी नहीं आता है चलाने। अब यही तो कमी है मेरे में, ड्राइव नहीं करते हैं, लेकिन अब वो भी जल्दी पूरा करेंगे। हम गाड़ी सीख लीजिए, हमको शौक है, तो ये वाला गाड़ी भी आप चलाइएगा। बंदूक से लेकर सब कुछ जानते हैं चलाना है, गाड़ी नहीं चलाना जानते। बंदूक चलाने का बोल रही है। हाँ, मेरे घर में मायके में था तो हम लोग जानते थे। आप बंदूक क्यों चलाती थी? शूट करते थे ना, क्योंकि चिड़िया मारने हम लोग का लाइसेंस ही बंदूक था, तो इसलिए भैया कहीं चले जाते थे तो पापा, तो हम लोग को जानना जरूरी था। चिड़ी मार कर नहीं, फायर करते थे हम लोग। फायर नहीं करती थी बस, तो चिड़िया कैसे मारती थी आप? चिड़िया पहले बार सीखे थे तो मार दिए थे पेड़ पर। तो गाइस, अभी सुबह सुबह उठ करके हम लोग यही चला रहे हैं अभी, कोई चिड़िया कौन मरता था, तोता कौन नहीं। वास्तव में नाम को अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, अब ये अपने गेम में रहते हैं दिन भर, और वो कॉलेज रहती है, बस यहाँ कुछ है भी नहीं देखने लायक, घर में बंद रहो एक रूम में। अरे तो उसका एग्जाम चल रहा है इसीलिए तो हम लोग घूम नहीं पा रहा है, और मोबाइल चलाते रहते हैं तो इससे अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है अपना काम कर। कल के बाद हम लोग का पैर ही नहीं रुकेगा। अरे आप लोग को तो मतलब आप लोग का भी तो टिकट हो ही गया है, इनके पापा का तबीयत भी सही नहीं है, देख रहे हो गाइस कितना उगता गई है। पहले तो बहुत बोल रहे थे कि घूमते नहीं है, ये नहीं करते, इस तरह नहीं रहना चाहिए इंसान को। चलना है वैष्णो देवी, बोलिए। वैष्णो देवी से मैं नहीं जाएंगे, पापा रहेंगे तब जाएंगे, हम पापा के साथ जाते हैं। आ रहे हैं लखनऊ तो पापा को, पापा का टिकट कर देते हैं। जन्मो जन्म तुम्हारे पापा मेरे साथ ही है। अरे अनमोल रतन प्यार क्या, चलिए ऐसा ही होना चाहिए। बोल रहे हैं कि पापा का टिकट कर देते हैं, वही आ जाएंगे यहाँ पे। अरे बाप रे, स्कूटी वगैरह नहीं आ रहा है चलन, तब उसमें मेरा क्या गलती है, स्कूटी तो मिल जाएगा तुरंत। नाश्ता मनीषा बना रही है किचन में, नाश्ता बना रही है, जाएगी। हाँ तो अब वो कॉलेज से आएंगी, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घूमने, फिर कल तो हम लोग को जाना ही है घूमने। अभी इनको इनका गुड मॉर्निंग कब होगा, माने इनको कुछ नहीं बोलती है। मनीषा तो पैरों नहीं छू रही है, नहाई नहीं है उनका, छोड़े ना आपको बोल रही है। हाँ। अच्छा नहीं भी नहीं की है, नहाती है बेचारी, तब तक छोटी हो जाता है उसका, क्योंकि यहाँ का नियम है नहाने के बाद घर पे 6 बजे नहा धोवा के पूजा कर लेती थी और हमको प्रणाम कर लेती। घर का सिस्टम अलग होता है, यहाँ पे 8 बजे उठना है। बुला रही है तुमको पहले, क्या कर रही है? तो दोस्तों, अब यहाँ पर मनीषा रेडी हो रही हैं, इनका एग्जाम है आज। आज कौन सा फार्माकोलॉजी का है, झोटा निकाल रही है साइड से। ठंडा में ना ऐसे हाथ चिपकाने का मजा ही कुछ और। प्रिंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हैं, चलो। प्रिंस का नाम है मंगरू सेठ। मंगरू सेठ नहीं तो, अभी हम लोग तो बचपन का नाम हो गया था, बजरंग बली के भक्त। पहन लो ब्लेजर, पहन लो। दोस्तों अब हम लोगों का टाइम हो चुका है कि यहाँ से निकले, मम्मी का अभी टाइम है कि यहाँ पे आराम करेंगे थोड़ा सा और। ये देखिए अभी पढ़ रही है, एग्जाम जिसका आधा घंटे बाद है वो अभी पढ़ाई कर रहा है। कैसे बनाई हुई है, और ये भाई साहब अब ब्रश करेंगे, मेरी गाड़ी उधर स्टार्ट में ही खड़ी है, बंद नहीं किया है। आज रो दिए है क्यों? हाँ मम्मी, मैं ना
जो ख्वाब साज देखते थे नैना बिखर के आज रो दिए है ना। तो अब पटाक पटाक नाश्ता करने जा रही है मनीषा, राइट? ओ ये एक भुर्जी बनाई हुई है एकदम टेस्टी टेस्टी। चलिए फटाफट खाओ, हम लोग तो भैया इनको देखे ननद गोपाल, मदन मदन गोपाल को ननद गोपाल कुछ भी उल्टा पुल्टा गा देते हैं, इनको तो पीटना चाहिए पिटाई। तो यहाँ पे देखिए जूता कैसे पहन रही है। चलो प्रिंस। Hey guys, तो अब हम लोग निकल चुके हैं कॉलेज के लिए और आज मनीषा का है थर्ड एग्जाम, अभी इसके टोटल कम से कम 15 एग्जाम और हैं। एक महीने तक एग्जाम ही एग्जाम है इसका। हाँ, उसके बाद थोड़ा दिन तक गैप मिलेगा, ऐसे छुट्टी छुट्टी नहीं मिलेगा, क्लास चलेगा एंड उसके बाद फिर सेमेस्टर एग्जाम है, तो मेरे को सेमेस्टर एग्जाम का भी तैयारी करना है। अभी हम लोग जा रहे हैं, वैसे टाइम हो चुका है बट जाते हैं देखते हैं। वैसे कॉलेज एग्जाम टाइम आप लोगों को पता ही है कैसे भीड़ लग जाती है कॉलेज के बाहर, क्लास के बाहर, हमारा तो एग्जाम क्लास के बाहर ही होता है। और पीछे आज प्रिंस भी जा रहा है हम लोग छोड़ने, वो पूजा का सामान भी लेना है तो मनीषा तो उतर जाएंगे हम लोग लेंगे। अरे यार गाड़ी में टॉवल लगा देना था, आज लगा दीजिएगा। और दोस्तों आजकल का तो शेड्यूल ही ये हो गया है, सुबह उठो कॉलेज जाओ छोड़ो फिर वापस कॉलेज से लेकर के आओ, थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर है लेकिन अभी कुछ दिनों का यही सिलसिला बना रहेगा। बाकी आप लोग भी बने रहिए, प्रिंस को उधर से आते टाइम मैं कुछ कुछ खिला भी दिया था और आखिरकार हम लोग कॉलेज पहुँच ही गए थे। सुबह सुबह वैसे धुंध ज़्यादा होती है लेकिन थोड़ी देर बाद धूप जैसे आती है कम हो जाती है। जब पहुँच चुके हैं कॉलेज और यहाँ से तो मेरे को जाना ही है, चलिए इमरजेंसी के पास छोड़िएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना लेकिन अभी ख़त्म हो गया, सब चलने लगे इस पर, लेकिन यहाँ कार भी चल रही, यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होता है चलता है। और देख सकते हैं मेरे कॉलेज में सारे मेरे दोस्त कैसे जा रहे हैं। तो फाइनली मनीषा जा रही है, अब प्रिंस आगे की सीट पे आ जाएगा। यहाँ मनीषा के इसके दोस्त भी मिल गए। चलो अभी ये लोग गए, ये इनकी बिल्डिंग इमरजेंसी बिल्डिंग, कितना बड़ा कॉलेज है ना जी। चलिए अब हम लोग भी मुड़ते हैं। सो गाइज अभी एक डिनर सेट ले लिया मैं क्योंकि घर में प्लेट्स वगैरह थोड़ी सी कम पड़ रही थी। प्रिंस भी है यहाँ पे, लेते आओ ये भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ले लिया जाए, बार 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 एक्का दुक्का प्लेट लेने से अच्छा है पूरा सेट ही उठा लो और एक में कहीं मैचिंग मैचिंग हो जाता है तो फिर ज़्यादा बेटर भी रहता है। उठ जाएगा जा, ये तो पहले का जो खरीदा है वो तो निकला ही नहीं है इसमें से, रख दो ये गिलास भी रख दो, चलो आगे रखा जाए। सो गाइज अभी मम्मी को लेना था कान्हा जी के लिए माला, तो प्रिंस गया हुआ है, थोड़ी देर में वो आ ही जाएगा। आई थिंक बिलिंग करवा रहा है अब तो, उसका फाइनली हो ही चुका है सारा काम। अब आप लोग भी बने रहिए, मेरे फोन में आजकल पता नहीं गाड़ी में अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं सुबह सुबह। वाह फाइनली सेठ जी आ चुके हैं, मिल गया कान्हा जी का सामान, बस लड्डू नहीं लिया, लड्डू लेना है आगे। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं लड्डू लेने, जय लड्डू गोपाल की। बस फाइनली बैक टू होम, देखते हैं मम्मी कितना भड़कती हैं, सामान लाए हम लोग तो। मम्मी को सरप्राइज देते हैं हम लोग, मम्मी बड़ा जाएंगी। तो गाइस अब हम लोग घर में एंटर कर चुके हैं। मम्मी ओपन द गेट, अब पता नहीं मम्मी क्या क्या कह रही है। ओपन फास्ट, क्या कह रही है? इतना डर लग
ये आपके लिए गिफ्ट आया है। क्या चीज़ है? देखिए। So guys, सारा मिठाई वगैरह सब मम्मी यहाँ पे अरेंज करेंगी। इसमें ना उस पर मत रखिए, लेकिन अच्छा उस पर सामान रखा जाएगा बस। तो उसको बीच में रखिए, साइड में एक पिलर नीचे हो गया उसका, थोड़ा सा टेबल के बीच में। दोस्तों मम्मी अब सजा रही हैं कान्हा जी को, और यहाँ मंदिर भी देखिए कितना सुंदर तरीके से सज चुका है। कान्हा जी को ठंड के कपड़े पहनाए हुए हमने ताकि उनको ठंडा ना लगे। काफ़ी खूबसूरत ड्रेस, इनका ड्रेस कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इनका ये हमने क्या इसको बोलते हैं आसन भी लिया था, वो भी गर्म गर्म ठंडे के हिसाब से ताकि ठंडा ना लगे। और यहाँ पर ये देखिए पूजा पाठ में पूरा कदम से कदम सहयोग कर रहे हैं। भांग लाए हो क्या? ये तुलसी जी का पत्ता, तुलसी जी का पत्ता धुल दो, अच्छा हम। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। बाकी पूरा इसकी सजावट सब कुछ प्रिंस अपने ब्लॉग में दिखाएंगे आपको, प्रिंस राज पे। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, साथ में घंटी आता ना उसको प्रेस कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।